हेलो दोस्तों, आज हम धुसका बनाने जा रहे हैं। धुसका की रेसिपी दिखाएंगे। ये देखिए चावल है, अरवा चावल। इसे फूलने के लिए 6 से 7 घंटा तक डाल दिए फूलने के लिए। फूल गया है चावल। अब इसमें डालेंगे उड़द दाल, चना दाल। देखिए ये उड़द दाल है, ये चना दाल है, ये सब। अब ये उड़द दाल है, ये तीनों को फेंट के इसमें चावल बनाएंगे, धुसका बनाएंगे। देखिए इसमें डाल रहे हैं दाल, उड़द वाला। देखिए उड़द दाल, चना दाल, तीनों के मिक्स कर दिए हैं। इसको पीस दीजिए। अब पीस के इसको इसमें आप चाहे तो जीरा भी डाल सकते हैं, धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार हल्का ही नमक डालिएगा कि ताकि सब्जी साथ खाएँ, सब्जी में भी नमक रहता है। देखिए अब हम पीसने जा रहे हैं। मिक्सी जार में डाल दिए हैं चावल, हल्का सा पानी डालेंगे। धुसका का बैटर देखिए तैयार हो गया है। अब इसको जा रहे हैं हम बनाने। गर्मा गर्म तेल में बनाएंगे। अभी कढ़ाई चढ़ाने जा रहे हैं। देखिए तेल गर्म हो गया है, जो धुसका के लिए बनाए थे। इसमें हल्का सा नमक डालिएगा मीठा बनाने के लिए, या सब्जी साथ है खाने में नमक फिर ज़्यादा आ जाएगा इसमें। इसमें आप धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं, गोल की जीरा भी डाल सकते हैं। अब इसको फेंट देते हैं, मिला देते हैं इसमें नमक। डालिए, थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया है। देखिए उड़द दाल है जो पीसे थे धुसका के साथ में। इसका बड़ा बनाने जा रहे हैं। पहला मिर्ची डाल रहे हैं, स्वाद अनुसार नमक है, एक लाल जीरा है, जीरा पाउडर है, गोलकी पाउडर है, काली मिर्च जिसे बोला जाता है। इसमें आप धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं, धनिया पत्ता हमने डाल रहे हैं। बहुत टेस्टिंग बनता है। और इसमें जब सर्दी होता है, खांसी होता है, तो इसका बड़ा बना के खाने से सर्दी खांसी सब ठीक हो जाता है। उड़द गर्म है, इसको फिनेसी से मिला देते हैं। अगर आप सभी को किसी को सर्दी खांसी हो तो उड़द लान के अब बड़ा बना के इसी तरह से खाइएगा, खा के पानी नहीं पीजिएगा। बहुत अच्छा चीज़ है। देखिए ये धुसका बना है, कितना अच्छा लग रहा है दिखने में, कितना खूबसूरत। ये बर्रा है, उड़द दाल वाला है बर्रा, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इसी तरह से आप लोग भी ट्राई करें, अच्छा लगे तो। सर्दी में भी बहुत काम आता है उड़द का बर्रा, इसे भी खाएं बढ़िया से। देखिए कुरकुरा भी है,